हेलो गाइस, मैं अर्पित श्रीवास्तव कैडन टेक में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स की। आज हम आपको बताएंगे सर्कल्स के बारे में कि आप इस किचन में सर्कल के टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे तो पहले मैंने सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने फर्स्ट और सेकेंड, ये आपका एक सर्कल ड्रा हो गया। उसका नेक्स्ट है आपका 3 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक, अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं विंडोज सेलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस कर डिलीट करिए मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक सर्कल चाहिए जो इस डायरेक्शन में कितना हो और वी डायरेक्शन में कितना हो। तो मैंने क्लिक कर दिया। तो हमने सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ से मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए 20 और वी डायरेक्शन में चाहिए 30, और मुझे 20 mm का एक सर्कल चाहिए, 20 mm रेडियस का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपका 20 mm रेडियस का एक सर्कल मिल गया। मान लीजिए मुझे एच में चाहिए 50, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये आपका 50 पे, ये देखिए आपके एच में इसने 50 ले ली। मान लीजिए मुझे इसका रेडियस चेंज करना है, तो रेडियस पे डबल क्लिक करके हम यहाँ पे दे दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे 45 पे चाहिए, तो 45 यहाँ से ओके। ये देखिए आपका एक सर्कल बन गया 45 रेडियस का। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्राई टेंजेंट सर्कल। तो इसके लिए हमें एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने एक प्रोफाइल लिया और ये हमने एक प्रोफाइल ड्रा कर दी। अब यहाँ से मैंने लिया ट्राई टेंजेंट सर्कल, तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये आपकी थर्ड लाइन। ये देखिए आपका एक सर्कल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 3 पॉइंट आर। तो इसके लिए 3 पॉइंट हमें देने पड़े, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये आपका जहाँ पे भी आपको अपनी अकॉर्डिंग रखना हो, ये आपका आ गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 3 पॉइंट आर स्टार्टिंग विथ लिमिट्स, जहाँ से हमने टूल्स को लिया, और फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और जहाँ पे भी आपको लिमिट देनी है, ये देखिए आपकी लिमिट आ गई। उसके बाद आता है आर्क, आर्क पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने एक सर्कल को देखिए, ये आपका एक सर्कल बना। जैसे आप माउस को ड्रैग करेंगे ये अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। उसके बाद देखिए आपको जहाँ से भी इसे स्टार्ट करना है वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आपको ये देखिए जितना भी आपको सर्कल चाहिए, ये आपका आर्क बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्प्लाइन, तो इसे भी हम बाहर रख ले रहे हैं। और इसे यहाँ से आप माउस की मिडिल बटन को प्रेस करके इसे पैन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले स्प्लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ। यहाँ से जहाँ पर भी आपको बाहर निकलना हो वहाँ पे आप जाके डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डबल क्लिक कर, ये देखिए अब हम बाहर आ गए। फिर मैं फिर से इसे स्प्लाइन लेता हूँ और एक स्प्लाइन में यह बना देता हूँ। जैसे कि मुझे बाहर निकलना है तो मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कनेक्ट। तो कनेक्ट का यूज करके हम दो स्प्लाइन को जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। फिर मैं फिर से यहाँ से कमांड ले रहा हूँ और इन दोनों को भी जोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कोनिक। तो मैं कोनिक को भी बाहर यहाँ पे ड्रैग करके रख ले रहा हूँ और मैं आपको कोनिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।